सुजानपुर टीरा की पंचायत में वीरेंद्र कंवर द्वारा लोगों की जन समस्याओं को सुनते हुए लोगों की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इलाकावासियों ने विद्युत सप्लाई से लगातार शिकायत की थी कि उन्हें सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है। जनमंच कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने लोगों के कार्य ठीक ढंग से न होने के कारण कनिष्ठ अभियंता का मौके पर ही जांच करने के आदेश उपायुक्त हमीरपुर और अधिशासी अभियंता को दिए हैं। कांग्रेस विधायक सुजानपुर राजेंद्र राणा की गृह पंचायत पटलांदर में लोगों की ओर से बिजली के अघोषित कंडों की समस्या जनमंच में उठाने के बाद मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को संबंधित कनिष्ठ अभियंता पर कार्रवाई के आदेश दे दिए। बिजली की समस्या पर मंत्री ने मौके पर ही जेई के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि बिजली की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता को जाँच के आदेश दिए गए हैं। अगर मामले में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जेई को चार्जशीट किया जाएगा। और विभाग की अगर लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी होगी, ये मैंने कहा है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, वैकेंसीज है क्योंकि बहुत सारी प्रमोशन हुई है जिसके कारण भी वैकेंट हुई है, कुछ रिटायरमेंट्स के कारण भी हुई है, लेकिन जितनी भी वैकेंसीज होगी हम प्राप्त मैं इसको जो है वो विभाग के ध्यान में भी लाऊंगा और उसको शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जल्दी ही उनको भरने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच के दौरान 64 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अधिकतर विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही और HRTC बसों की कमी को लेकर थी जिससे लोग काफी परेशान थे। उन्होंने कहा कि विभागों को 15 दिन के भीतर जन समस्याएं निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बिजली बोर्ड के अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए और लोगों की जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के आदेश भी दिए गए हैं। जितनी भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम इसको जो है वो सिंबॉलिक ना लें, इसको अन्यथा में ना लें, हम इसको गंभीरता से जो है वो इसके ऊपर जो है वो नजर रखते हैं कि हर व्यक्ति को जो है जो इस जनमंच में पहुंचा है या जनमंच से पहले उसने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, हम उसको जो है वो न्याय देंगे, उसके काम को प्राथमिकता देंगे, हम इसको जो है वो गंभीरता से लें और गांव जो है वो समस्याओं को जो है वो समाधान करें। मैंने देखा कि बहुत सारे अधिकारी कि जब तक शिकायत नहीं आई तो इसका मतलब नहीं है कि हमने जो है वो गाँव तक नहीं जाना है। अगर मेरे अंदर इतना एक सब डिविजन आता है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि वहां पर जो है वो घूम करके देखा जाए, लोगों से पूछा जाए, लोगों से बात की जाए कि कोई समस्या तो नहीं है।